हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, आई होप यू आर सेफ एंड हेल्थी एट होम. स्टूडेंट्स, इट्स ए चैलेंज फॉर अस टू स्टे एट होम. डोंट रूम विदाउट एनी रीजन. स्टूडेंट्स, स्टे एट होम एंड डू यू होम वर्क. स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था आवर चेंजिंग अर्थ में, जो मेजर लैंडफॉर्म है उसके अंदर कि कौन कौन सी जो फोर्सेस है जिसकी हेल्प से जो ना अपने जो लैंडफॉर्म है वो फॉर्म्ड होते हैं. जिसमें जो मेजर फोर्स है उसमें रिवर का फोर्स जो है हमने कर लिया था कि जो रिवर है वो किस टाइप से इरोजन करती है और किस पार्ट में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करती है और किस पार्ट के अंदर जो है वो डिपॉजिट करती है. बच्चों, आज का टॉपिक हमारा वो है वर्क ऑफ सी वेव्स. इसमें हम पढ़ेंगे कि जो सी वेव्स है वो किस टाइप से अपना वर्क करती है, कैसे जो लैंडफॉर्म में जो है ना वो अपना जो पार्टिसिपेशंस करती है. द एक्शन ऑफ सी वेव्स इज प्रेडोमिनेंट अलोंग द कोस्टल रीजन्स. ये कहता है कि जो सी वेव्स का जो एक्शन जो होता है, जो वो एक्टिविटी करती है, वो ओनली कोस्टल जो रीजन्स है वहीं ये काम करती है. द इरोजन एंड डिपोजनेशंस कॉज्ड बाय सी वेव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोस्टल लैंडफॉर्म. स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कहता है कि जो इरोजन और जो डिपॉजिट का जो कार्य जो वर्क हो रहा है वो जो कोस्टल लैंडफॉर्म है वो क्रिएट करती है. सी वेव्स कॉन्टिनेंटली स्ट्राइक अगेंस्ट द रिलीफ फीचर्स सी वेव्स जो है वो लगातार जो है अपने जो रिलीफ है उस पर लगातार जो वो स्ट्राइक करती रहती है कि उस पर जो है वो वेव जो है वो उस पर अटैक करती रहती है. उस स्ट्राइकिंग की वजह से क्या होता है कि जो सी वेव्स है वो उस रॉक्स को जो ना वो क्रैक कर देती है, उनको उसमें क्रैक्स जो है वो डेवलप्ड कर देती है. विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब वो टाइम जो है काफ़ी पास हो जाता है, दीज क्रैक्स बिकम लार्जर एंड वाइडर. वही जो क्रैक्स है वो बड़े और वाइडर चौड़े हो जाते हैं. दीज क्रैक्स बिकम लार्जर एंड वाइडर फॉर्मिंग होल केव लाइक फॉर्मेशन कॉल्ड सी केव. और जैसे जैसे ये जो क्रैक्स है, क्रैकिंग जो है वो बढ़ जाती है, चौड़ी हो जाती है, उसके बाद में वहाँ जो ना वो होल केव जो है वो बन जाती है और उसी को जो ना सी केव जो है वो नेम दिया जाता है. आप लोग देख सकते हैं इधर जो पिक्चर के अंदर ये सी केव जो ना वो यहाँ पर सी केव जो ना ये बनी हुई है. फर्दर इरोजन मेक द कैक्टिव्स इवन बिगर एंड ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन्स विच लुक लाइक एन आर्च एंड इट्स कॉल्ड द सी आर्च. बच्चों, उसके बाद में क्या होता है कि जो जो ये सी केव्स है ना, इसमें कंटिन्यू जो ना जो सी वेव्स है वो उस पर स्ट्राइक करती रहेगी और ये जो वेव्स है ये अदर साइड भी जो ना ये क्रॉस कर जाती है और इस टाइप के जो अर्थ है उसकी ये शेप बन जाती है. फर्दर इरोजन वाइप्स आउट द रफ्स लिविंग ओनली द वर्टिकल वॉल्स. और धीरे धीरे जो ना ये जो वाइप्स जो है ना वो इसके जो अपने रूफ टॉप जो है उसको इरोजन करती रहती है और एक टाइम ऐसा आएगा इस रूफ को जो ना वो तोड़ देती है और ये एक वर्टिकल वाल्स के रूप में जो ना स्ट्राइक के रूप में जो वो बच जाती है. द स्टेप कॉस्ट ऑफ द रॉक विच स्टैंड ऑलमोस्ट वर्टिकल अबाउ द सी वाटर इज कॉल्ड द सी क्लिफ. और ये धीरे धीरे जो ना जो आसपास के जो ये जो पोजीशन जो वो क्रिएट होती है उसी को जो ना सी क्लिफ जो नेम दिया जाता है. द वेव्स ऑल्सो डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द सी
श्योर विज फ्रॉम सी बीचिज। बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो सी वेव्स हैं वो इस तरह की जो एक्टिविटी करते हैं, तो इरोजन जब एक्टिविटी होती है तो इरोजन के बाद जो सेडिमेंट्स जो होते हैं वो जो सी बीच के ऊपर जो है उसको डिपॉजिट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्क ऑफ ग्लेशियर्स। सेम एज जिस तरह से विंड अपने विंड भी एक्टिविटी करती है इरोजन एंड डिपॉजिट का, रिवर भी एक्टिविटी करती है और सी वेव्स भी है वो भी इसी तरह की एक्टिविटी करती है, इरोजन करती है वो और साथ में डिपॉजिट भी करती है। सेम एज ग्लेशियर भी जो ना वो अपना इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपॉजिट का जो वो वर्क जो है वो कंप्लीट करती है। ग्लेशियर आर स्लो मूविंग रिवर्स ऑन स्नो एंड आइस। ये कहता है कि ग्लेशियर जो है ना वो रिवर्स के अंदर मूव करती है स्नो और आइस लेकर। एज ए ग्लेशियर मूव्स इट इरोडेड रॉक्स एंड एक्सपोजेज द सॉलिड रॉक्स बिलो। और जैसे ही वो ग्लेशियर जो है वो मूव करता है उस रिवर के अंदर, तो वहाँ के जो रिवर के आसपास के जो रॉक्स हैं उनको एरोडेड उनको तोड़ देती है। देयरफॉर द वैली मेड बाय ग्लेशियर्स हैव ए फ्लैट बॉटम विथ शिप साइड्स एंड आर कॉल्ड यू शेप्ड वैली। स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो वी शेप्ड की जो वैली होती है, आपने जो पहले जो टॉपिक हमने किया था अपना जो रिवर का जो वर्क के अंदर वी शेप्ड जो वैली होती है, ये इस टाइप की जो ना वो शेप की होती है वी शेप्ड वैली। जब इस वी शेप वैली के अंदर ग्लेशियर जब एंट्री करता है तो इस पार्ट को जो ना वो नीचे वाला जो पार्ट उसको इरोजन कर देता है और यू शेप की जो वो वैली क्रिएट कर देते हैं। एज द आइस मेल्ट द डिप्रेशंस गेट फेल्ड अप विद वाटर टू फॉर्म ब्यूटिफुल लेक्स इन द माउंटेन। ओके फ्रेंड्स, जैसे ही वो जो आइस वो मेल्ट होकर डिप्रेशन होगी वहाँ से हटेगी, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक उस माउंटेन के अपर पार्ट के अंदर एक ब्यूटीफुल जो वो लेक्स जो है वो बन जाती है। ग्लेशियर्स कैरी हग अमाउंट ऑफ पीसीज ऑफ रॉक ऑफ वेरिंग साइज अलॉन्ग विद सैंड एंड सेल्ट विच गेट डिपॉजिट, सच डिपॉजिट आर कॉल्ड मोरनाइंस। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कहता है कि जब ग्लेशियर जो है ना वो इतने लार्ज अमाउंट के अंदर जो आइस वो लेकर एंटर करती है उस वी से वैली के अंदर, तो जो आसपास के जो रॉक्स हैं उनको जो है काफ़ी अमाउंट ऑफ पीसीस के अंदर जो है उसको करेक्ट कर देती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, तोड़ देती है उनको। और ये डिफरेंट साइज़ के होते हैं, बड़े साइज़ के भी होते हैं और स्मॉल साइज़ के भी होते हैं। उसके साथ जो है ये सैंड एंड सेल्ट को भी जो ना वो डिपॉजिट करती है उस पार्ट के अंदर। उसके बाद जो कहते हैं वर्क ऑफ विंड। स्टूडेंट्स सेम एज जैसे रिवर्स भी जो है ना अपनी एक्टिविटी करती है, वर्क कर रही है और सी वेव्स भी है, ग्लेशियर भी है, तो सेम एज जो विंड्स है वो भी ऐसी ही एक्टिविटी करती है। और बट ये एक्टिविटी जो विंड एक्टिविटी जो जहाँ होगी वो बिल्कुल एरिड या ड्राई एरिया होगा, उस पार्ट के अंदर जो ना ये इरोजन एक्टिविटी करती है। विंड ही इज एन इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ ग्रेनेशन इन डेजर्ट रीजन्स। स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि विंड जो ना काफ़ी एक इम्पोर्टेंट जो है एजेंट है जो ग्रैंड करती है डेजर्ट रीजन के अंदर। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशंस। ये कहता है कि ये अदर्स जो दूसरी साइड से अगर हम देखते हैं जैसे रिवर और उसके जैसे ही जो ना ये इरोजन एंड डिपोजिशन दोनों ही एक्टिविटी करती है। ए स्ट्रॉन्ग विंड कैन कैरी नॉट ओनली फाइन पार्टिकल्स ऑफ डस्ट और सॉइल बट आल्सो लॉन्गर पार्टिकल्स ऑफ सैंड आर ग्रेवल। स्टूडेंट्स यहाँ पर कहता है कि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है वो सिर्फ अपने जो डस्ट पार्टिकल है उनको या सॉइल को जो ना वो उसको नहीं उड़ाती। इन डेजर्ट वी कैन सी रॉक्स रिसेम्बलिंग द शेप ऑफ मशरूम दैट आर कॉमनली नाउ एज मशरूम रॉक्स। स्टूडेंट्स में क्या होता है, आप यहाँ पर जो एक पिक्चर देख रहे हैं ये मशरूम शेप्ड रॉक्स की है।
मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे जो ना ये इसका जो बेस है वो इरोजन हो चुका है और जो अपर पार्ट है वो अभी तक इरोजन नहीं हुआ। क्या होता है कि जैसे ही जो विंड चलती है वो डस्ट पर्टिकुलर को लेकर जो ना ज़्यादा हाइट के ऊपर नहीं लेकर जा सकती, जो स्माइल साइज के हैं वो ऊपर अपर चले जाएंगे बट वो इतनी जो है इरोजन एक्टिविटी नहीं करेंगे, जो बेस के पास जो रहेंगे वो इरोजन एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे। अगर एयर जो ना इसी डायरेक्शन में चल रही है तो जो सरफेस के पास जो है या इसके बेस के पास जो ना वो डस्ट पार्टिकल जो वो ज़्यादा रहेंगे, और ज़्यादा रहेंगे तो इस पार्ट को जो ना वो ज़्यादा इरोजन करेंगे, अपर पार्ट को इरोजन कम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब इरोजन एक्टिविटी जहाँ जिस पार्ट में ज़्यादा इरोजन एक्टिविटी होगी तो वहाँ वो ज़्यादा एरिड होएगा, और जिस पार्ट में इरोजन एक्टिविटी कम होगी तो वो पार्ट जो वो इरोडेड कम होगा। तो यही जो ना फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि जो सरफेस या बेस के ऊपर जो है इरोजन एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है तो ये इरोडेड ज़्यादा हो गया, अपर पार्ट के अंदर इरोडेड कम हुआ है तो ये बच गया है। तो जो शेप बनेगी मोस्टली डेजर्ट पार्ट्स के अंदर जो रॉक्स है वहाँ पर इस टाइप के जो है शेप आपको जो कॉमनली ही जो देखने को मिल जाएगी। उसके बाद ये कह रहे हैं When the wind blow, it lifts and transport sand from the one place to another. When the velocity of the wind, ये कहता है कि जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी विंड की तो इरोजन एक्टिविटी भी जो है वो बढ़ेगी, और सेम एज विंड जो स्टार्टिंग के अंदर जो इरोजन एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन भी जो करती है किसका, वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सैंड का जो है ना वो करती है, और सैंड जो ना ये एक वन प्लस टू अनदर प्लेस जो ना ये मूव करती है, और यही मेन जो एक्टिविटी है जो इरोजन एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेंट करती है। डिक्रीजिंग और देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ हिल्स, द सैंड गेट्स डिपॉजिट टू फ्रॉम सैंड डून। और उसके बाद कहता है कि जो विंड जब फ्लो करती है तो अपने साथ सैंड को जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करती है, और डिफरेंट पार्ट्स में जाकर जो है ना वो सैंड को जो डिपॉजिट करती है, और उस पार्ट के अंदर जो क्या बनेगा वहाँ पर जो ना सैंड डून जो है वो बन जाएगा। द फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड डस्ट कैरिड अवे बाय विंड फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस गेट डिपोजिशन ऑफ फ्रॉम लूज। द हुआंग हु वैली इन चाइना इज फेमस फॉर सच डिपॉजिट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कहता है कि जो विंड्स जो है ना काफ़ी ग्रेट डिस्टेंस जो क्रॉस कर जाती है जो अपने डस्ट पार्टिकल अंदर लेकर, तो वहाँ पर जो है ना लॉइस का जो है वो प्लेन जो वो बन जाता है। चाइना के अंदर एक ऐसा ही फेमस जो है ना एक लॉइस डेजर्ट या लॉइस प्लेन जो है वो बना हुआ है वांग वू वैली के अंदर, जो कि रिवर के सॉरी जो एयर के डिपॉजिट की वजह से जो ना वो ऐसा हो पाया है, जो एयर के साथ जो डस्ट पार्टिकल जो वो जाते हैं और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस जब क्रॉस कर जाते हैं और वहाँ जाकर जब डिपॉजिट होते हैं तो उसको लॉइस जो बोलते हैं उस पार्ट को, और ऐसे ही जो ना आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, इसी के साथ अपना ये लेसन जो वो कम्प्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट चैप्टर के लिए होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, स्टे होम स्टे सेफ।